गुड मॉर्निंग। ये है ट्रिप का सेकंड डे और शिमला का फर्स्ट डे। और ये सेकंड ब्लॉग बनेगा, फर्स्ट ब्लॉग आप देखना, मैंने तैयार कर चुका हूँ। होप सो जब ये वीडियो बन रही होगी, जब मैं अपलोड कर रहा होगा, डेली ब्लॉग कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा टाइम भी लगेगा इसको एडजस्ट करने में। और वेलकम बैक टू यूट्यूब। आज मैं शिमला एक्सप्लोर कराऊंगा। फर्स्ट मैं अपने रूम से स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा रूम काफ़ी मैसी कर दिया है क्योंकि काफ़ी लेट और टाइम लग गया था, तो मॉर्निंग है। और ये मेरे रूम का व्यू, अभी का जो टाइम है न्यू ईयर का टाइम, इस टाइम पे काफ़ी एक्सपेंसिव। इस रूम की क्वालिटी तो ये कहते हैं कि आधा अमाउंट इनका गवर्नमेंट के पास में जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे इनका बना हुआ है। और काफ़ी अच्छा स्पेस है और आराम से इस पे काफ़ी 6 मेंबर्स अगर चाहे तो नीचे भी जो एक्स्ट्रा बेड लग जाते हैं वह हो पाएगा। और ये व्लॉग आज स्टार्ट करता हूँ ट्रैवल से। और मे बी अभी मैं मार्केट जाऊँगा थोड़ी देर में। ये सिटिंग एरिया काफ़ी अच्छा लगता है इसका, बालकनी के साथ में। बालकनी नहीं है, चेयर लगी हुई है इधर ही रूम के अंदर जिसपे से आप नज़ारे देख सकते हो इस कांच में से। मैंने 1 घंटा बिताया, मुझे काफ़ी मज़ा आया। चलो मिलते हैं फिर, मैं मार्केट जाता हूँ अभी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। मैं एक दो जगह है जो मैं बताना चाहूँगा। पहली जगह मेरे चर्च और दूसरा जो एरिया है वो कुफरा की तरफ। आज तो हो नहीं पाएगा क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मे भी देखते हैं कल कवर करते हैं। फिर आगे भी निकलना है मुझे स्पीति की तरफ, चितकुल की तरफ। तो अगर पॉसिबल हुआ, अगर एरिया मतलब ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में नहीं रहा, नेगेटिव में नहीं रहा, तो मैं स्पीति भी कर पाऊँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये वापस से बाइक पे सवारी स्टार्ट। जहाँ मेरे को जाना है वो 30 मिनट का रास्ता है और 6.1 किलोमीटर के डेस्टिनेशन है। और ये शिमला के मेन रोड से थोड़ा 6 किलोमीटर पहले मैं रुका था कल, क्योंकि कल काफ़ी थक गए थे। अप्रॉक्सली 680 किलोमीटर चला रही थी गाड़ी। ये एनसीसी वाले बंदे लगे हुए हैं, शायद जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, एनसीसी होता है या क्या होता है मुझे नहीं पता, आप बताइए। जो स्कूल टाइम पे अपन करते हैं ना। ये देखिए व्यू, काफ़ी पसंद आया, हालांकि रश बहुत रहता है भाई। विंटर वेकेशन के लिए लोग आते हैं तो रश तो होगा ही, सीज़न के हिसाब से। ऑफ सीज़न आओगे तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड होगा। ओके लेफ्ट जा रहा है। हाथ बहुत दुख रहे हैं। Please move on.
जो मैंने आपको पहले बात बताई थी, रूम किस लिए महंगे सीज़न, वो इसलिए महंगे। ये टोटल लाइन HP, टैक्सी नंबर, HR, HP, दिल्ली, UP, कितने विजिटर्स आए हुए हैं यार अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भीड़। लोकल टैक्सी, पंजाब, सारा मतलब जो इस साइड के स्टेट वाले, सीज़न काफ़ी अच्छा जाता है इधर के लोगों का अर्निंग का, क्योंकि काफ़ी टाइम तक तो मोस्टली शिमला तो एनी टाइम 12 महीने तक अच्छा रहता है। ओके। का डिस्टेंस और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है कंपैरिजन जहाँ मैं जहाँ से मैं आया हूँ। काफ़ी अच्छा भी है, मास्क की यहाँ पे पैलेंटी भी है, और ये है पीछे का व्यू, काफ़ी अच्छा है। सो फार सो गुड, लोग काफ़ी अच्छे हैं। प्रॉपर व्यू है ये शिमला का, काफ़ी अच्छा रूट है। वो जो जगह है उस तरफ, वहाँ पे 3 डेट का जो शूटिंग हुआ था, और काफ़ी रश है। टाइमिंग है इस चर्च का ओपन होने का, मंडे टू सैटरडे 10:30 to 1 PM और 2:15 to 5:30। और अभी जो टाइम हो रहा है मे बी 1 बजे से ज़्यादा हो गया, इसलिए शायद ये बंद है। सर ये इंदिरा गांधी जी की मूर्ति, और ये 29 दिसंबर का है ये चर्च। काफ़ी रश है।